हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल हब में। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं बोट का जो हमारे पास लंबे वाले जो टीवी के साथ लगते हैं वो यहाँ पे आया हुआ है। और यहाँ पे जो प्रॉब्लम है इसकी वो हमारी ये मेरे पास यहाँ पे देख सकते हैं डीसी 24 वोल्ट से रन करेगा और यहाँ पे भी अडेप्टर 24 वोल्ट का ही यहाँ पर है। तो ये इसको हम चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने इसको चेक किया, डेड प्रॉब्लम है यहाँ पे। ये मैंने इसको लगा दिया और यहाँ पे इसका स्विच है, यहाँ पे देख सकते हैं ये पावर ऑन का। तो पावर ऑन करने में यहाँ पे कोई भी इंडिकेशन शो नहीं कर रहा है, लाइट वाइट कुछ नहीं जल रही है। यहाँ पे मैं वोल्टेज भी चेक कराता हूँ आपको कि हमारे जो वोल्टेज हैं वो कितने यहाँ पर आ रहे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर 24 वोल्ट यहाँ पर दिखा रहा है, जो कि सही है हमारा अडेप्टर, लेकिन इसमें जो पावर की प्रॉब्लम है वो यहाँ पर है। तो मैं इसको खोल लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं फाइनली मैंने इसको यहाँ पर खोल लिया है। और इसको खोलने के लिए पहले इसका जो ऊपर का कवर है, ये जो जाली है, इसको पूरा निकालना पड़ा। साइड में पूरा ग्लू चिपका हुआ था दोनों साइड में, तो इसको यहाँ पे ये निकाला है पूरे ग्लू हटा करके। बाकी दो स्क्रू यहाँ पे लगे हुए थे इसको बाहर खींचने के लिए ये, और यहाँ पे ये इसका पूरा सर्किट बोर्ड बाहर आ जाता है। ये देख सकते हैं इस तरीके का कुछ यहाँ पे ये सर्किट बोर्ड है ये। अब हम देखेंगे इसमें पावर डेड का जो फॉल्ट है वो किस कारण से यहाँ पर आया हुआ है। इसको मैं जो ये प्लास्टिक है इससे भी मैं यहाँ पर बाहर निकाल लेता हूँ। ये मेरा स्पीकर के कनेक्टर हैं दोनों, दो स्पीकर मेरे लगे हुए हैं। इसको मैं प्लास्टिक से भी बाहर निकाल लेता हूँ ताकि मुझे रिपेयरिंग करने में काफ़ी आसान हो। इसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं 2-3-4 स्क्रू यहाँ पर लगे हुए हैं। साइड पर रख देते हैं। यहाँ पे ये है हमारा इसका सर्किट बोर्ड। यहाँ पे दो आईसियां लगी हुई हैं क्लास डी एम्पलीफायर, और इसमें हम पावर की को फाइंड कर लेते हैं कौन सी है। हमारा ये वाला पावर की है, तो इसको हम देख लेते हैं। बाकी ये अडेप्टर हुआ है हमारा 24 वोल्ट, इसको मैं यहाँ पर लगा के देखता हूँ। ये लगा दिया। यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे इंडिकेटर भी लगा हुआ है, ये बल्ब लगा हुआ है यहाँ पे, देख सकते हैं। अगर यहाँ पे हम कुछ पावर ऑन करें या पावर दें तो जो भी इंडिकेशन है वो यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये LED बल्ब है यहाँ पर। तो मैंने इसको लगा लिया। अब हम इसके बैक साइड में वोल्टेज को चेक कर लेते हैं कि कितने वोल्टेज यहाँ पर जनरेट हो रहे हैं। यहाँ पर ये पूरा एक हीट सिंक दे रखा है, जो भी ये हमारे पास क्लास डी की आईसियाँ हैं, ये जो हीट होगी इसकी हीट यहाँ से पूरे एरिया में फैलेगी, जिससे हमारे यहाँ पर जो हीटिंग है से हमारी जो आईसी में प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पे ये हमारा मेन फिल्टर कैपेसिटर जो इसके साथ में लगा हुआ है, तो इस पर हम यहाँ पे वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि कितने आ रहे हैं। तो वहाँ पे देख सकते हैं 24 वोल्ट हमको पूरे दिखा रहा है, यानी इसमें शॉर्टिंग की तो प्रॉब्लम नहीं है, शॉर्टिंग की प्रॉब्लम नहीं है। तो बाकी जो 5 वोल्ट होता है वो भी बन रहा है या नहीं बन रहा है हम उसको भी चेक कर लेते हैं।
उसको चेक करने के लिए हम यहाँ पे जो हमारा यूएसबी है इस पे हम इसको चेक करेंगे। तो मेरा जो ये डेड पड़ा हुआ है यहाँ पे 5 वोल्ट मिस है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो 5 वोल्ट है वो डेड प्रॉब्लम, ये इस 5 वोल्ट मिस होने के कारण यहाँ पे डेड ये पड़ा हुआ है। तो अब हम इसके देखेंगे कि 5 वोल्ट हमारा कहाँ से जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है। यहाँ पे एक कन्वर्टर टाइप का लगा हुआ है जो हमारा 24 वोल्ट है, जो उसको 5 वोल्ट में बनाने का काम कर रहा है। तो हम यहाँ पे कुछ वोल्टेजों को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी हमें वोल्टेज नहीं देखने को मिल रहा है। तो हम एक एक करके जो भी यहाँ पर सर्किट है उसको मैं पहले चेक कर लेता हूँ, कहाँ पे हमारा वोल्टेज ड्रॉप होता है उसको मैं चेक कर लेता हूँ, फिर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम इसको लगाते हैं पावर, और यहाँ पे कहीं मेरा स्पार्क कर रहा है, मैंने इसका कैपेसिटर यहाँ पे उखाड़ रखा है। यहाँ पे ये ग्लू के थ्रू चिपका हुआ था। तो ये मेरा ग्राउंड है, यहाँ पे मीटर भी देख सकते हैं, ये ग्राउंडर रख दिया। और अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज चेक करूँ तो ये वोल्टेज मेरा आ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्यूज लगे हुए हैं रेजिस्टेंस की तरह, जिसमें 0 लिखा हुआ है हमारा, ये 0 वाले क्या हैं हमारे फ्यूज हैं। तो इसके इनपुट पर वोल्टेज चेक कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर कहीं पर नहीं दिखा रहा है वोल्टेज, यहाँ पर ये देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है। तो इसके इनपुट पर ही वोल्टेज नहीं आ रहा है, जिससे हम ये भी ना समझे कि यहाँ पे फ्यूज हमारे ख़राब हैं। क्योंकि अगर इनपुट पर वोल्टेज आते आउटपुट पर नहीं आते तो हम समझते कि यहाँ पे फ्यूज की प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे फ्यूज भी सही है, तो यहाँ पे वोल्टेज आ रहे हैं। तो यहाँ पे नहीं आ रहे हैं तो जो अभी स्पार्क टाइप का कर रहा है जहाँ पे इसका इनपुट कनेक्ट है यहाँ पे, यहाँ पे वो हमें इसका ड्राई सोल्ड लग रहा है। अभी मैं दिखाता हूँ, ये यहाँ पे अगर मैं इसको टच करता हूँ तो यहाँ पे देखते हैं रेड लाइट मेरी यहाँ पे ब्लिंक हुई चली गई। फिर से देखते हैं, ये देखते हैं रेड लाइट मेरी ब्लिंक हुई। तो मेरा जो ज्वाइंट है ये यहाँ पे, इस पे यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, फिर से चली गई, ये देख सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, पहले यहाँ से सोल्डर करने की कोशिश करता हूँ, अंदर तक हो जाएगी, और उसके बाद यहाँ पर कोई सोल्डर मेरा सही से लगेगा नहीं आयरन। तो पहले मैं यहाँ पर करता हूँ, अगर नहीं यहाँ से बात नहीं बनेगी तो उसके बाद मैं पीछे आगे साइड से देखूँगा। तो पहले मैं यहाँ पर लगाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये लगा दिया है, यहाँ से मेरा यहाँ भी शायद पकड़ जाना चाहिए इसने। अब मैं इसको लगा के देखता हूँ, लेकिन अभी भी नहीं आ रही है। तो मुझको यहीं से ही सोल्डर करना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पे देख सकते हैं लगा दिया है, अब मैं इस पर लगा के देखता हूँ पावर कॉर्ड, और मेरा देख सकते हैं वहाँ पे इंडिकेशन आ रहा है। अब यहाँ पे हिल नहीं रही है, इसको मैं फिर से निकालता हूँ और फिर से लगाता हूँ। तो मेरी यहाँ पे देख सकते हैं पावर आने लग गई है ये। तो फाइनली ये मेरा ओके हो चुका है, बाकी मैं इसमें लगा के
जो भी इसका म्यूजिक होगा बूटिंग टाइम का वो यहाँ पे आना चाहिए। ये मेरा पावर वाला है, इसको मैं ऑन करता हूँ। तो यहाँ पे मेरा ऑन तो हो चुका है, शायद पावर ऑन नहीं हो रहा है। तो मैं इसके पीछे शॉर्ट करके पावर चेक करने की कोशिश करता हूँ। ना ना हो गया यहाँ पर पावर ऑन, ये देख सकते हैं। फिर से मैं देखता हूँ पावर ऑन यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा था। यहाँ पे हो चुका है, यहाँ पे टू टू की आवाज आ रही है। तो मेरा यहाँ पे पावर ऑन भी हो रहा है, यहाँ पे देखिए स्टैंड बाई रिलीज हो चुका है, तो सही है। बाकी हम इसको चेक करेंगे, क्योंकि अगर पावर ऑन हो रही है तो ये चलेगा ही चलेगा, और इसको मैं फिट कर दूँगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, और चैनल में फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।